वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस देखा है ब्लॉगर्स। IOCL की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का फाइनली ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रीमियम फॉर्म तक मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में प्रोसेस देखा है ब्लॉगर्स। इसलिए आप लोग को वीडियो बने रहना गाइस। यहाँ पर ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। जैसे लिंक बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। ऑनलाइन सबमिशन है 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है यहाँ पर 21 अगस्त 2024 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑयल के द्वारा आया है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो गाइस वीडियो आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो हमेशा देखने को भी मिलते रहेगा। तो रहेगा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना होगा। सिंपली से रजिस्टर बटन पर क्लिक करना गाइस। जैसे रजिस्टर बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो इस तरह आप लोग को थोड़ा वेट कर लेना गाइस। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है तो चला थोड़ा वेट कर लेते गाइस। इस तरह का आप लोग को देने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइस यहाँ पर आप लोग को पोस्ट अप्लाई फॉर कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो IOCL रिफाइनरीज पाइपलाइंस देने को मिलेगा। तो रेफिनरीज लाइन में सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पोस्ट नेम आप लोग को सिलेक्ट कर लेना गाइस। जो भी पोस्ट नेम है यहाँ पर आप लोग को सारी पोस्ट नेम अवेलेबल है, यहाँ पर आप लोग को सारी अवेलेबल देने को मिलेगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना गाइस। तो उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नेम डाल देना आपका अकॉर्डिंग टू क्लास 10 का डॉक्यूमेंट हिसाब से। मोबाइल नंबर डाल देना, दो बार से मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना गाइस। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना चाहते तो डाल सकते हैं, अदरवाइज सौंप भी सकते हैं, क्योंकि स्टार मार्क नहीं, इसमें मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी डाल देना, दो बार से ईमेल आईडी भी कंफर्म कर लेना गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करते आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डाल देना गाइस। ओटीपी डालने के बाद आई एग्री बटन पर सिंपली से चेकबुक कर लेना गाइस। चेकबुक करते गैस इसके बाद यहाँ पर आई कैप्चा गाइस देख सकते हो, इस पर आपको डाल देना। री वेरीफाई बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना गैस। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रखा है तो लॉगिन कर लेना। मैं फटक से लॉगिन कर लेता हूँ, आपको भी आपको सबसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। तो चलो गैस मैं फटक से लॉगिन कर लेता हूँ गैस। सो गाइस आपका लॉगिन, आपका प्रोफाइल लॉगिन करते गाइस इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली से अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे गो टू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का आप लोग को फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलो थोड़ा इस तरह का आप लोग को थोड़ा लोडिंग लेगा, ये आप लोग को मैंडेटरी कंपलसरी है। इस तरह का आप लोग को हमेशा लोडिंग थोड़ा लेगा आपको फर्स्ट टाइम अगर ओपन करते हैं गैस। तो चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं गैस, लॉगिन होने तक आप लोग को वेट कर लेना गैस। उसके बाद इस तरह का आप लोग को फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ज्ञान से देख लेना गैस, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जेंडर क्या है, जो भी है आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल एंड फीमेल है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना गैस। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एसिटेशन ऑफ इंडिया बटन पर सिंपली से चेकबुक कर लेना। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, आपका कैटेगरी जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू एन एक्स सर्विस में, अगर आप एक सर्विस में है तो यस और नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका कैंडिडेट का नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर नेम डाल देना, उसके बाद मदर नेम डाल देना, उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड एंड अनमैरिड है जो भी आपको डाल देना गाइस। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो गाइस उसके बाद यहाँ पर टेस्ट प्रीफरेंस आप लोग को देने को मिलेगा। प्रीफरेंस यहाँ पर स्टेट कौन सा स्टेट में एग्जाम लेना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पर सिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर प्रीफरेंस 1, 2, 3 से लेकर 5 प्रीफरेंस तक देने को मिलेगा। जैसे कि मैं असम में एलिजिबल अवेलेबल है क्या नहीं, मैं आप लोग को चेक कर लेता हूँ। इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर आप लोग को सारे अवेलेबल देने को मिलेगा। तो चलो गाइस मैं असम में लेना चाहता हूँ गाइस। असम में कौन सा सिटी में है अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हो सिलचर, गुवाहाटी, दिसपुर, डिब्रूगढ़ है। तो चलो गाइस मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह आप लोग को देख सकते हो, पहले मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लिया। इस तरह आप लोग को 1, 2, 3 करके प्रीफरेंस 5 तक आप लोग को कंप्लीट कर लेना, आपने भी अपने हिसाब से डाल देना। तो चलो गाइस मैं फटाक से डाल लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा एग्जाम डिटेल एग्जाम सेंटर पर मैंने सारी फिलअप कर दिया। सारी फिलअप करने के बाद सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेफ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गैस डाटा सेफ सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके बटन पर क्लिक कर देना। अभी कम्युनिकेशन डिटेल आपको डालना होगा गैस। यहाँ पर आप लोग को डाल देना गैस address 1, address 2 डाल देना गैस। उसके बाद यहाँ पर कंट्री आप लोग को पढ़े दोस्तों इंडियन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना, इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, आपका एरिया का पिन कोड नंबर 6 डिजिट का नंबर डाल देना। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो ये सिंपली से यस पर यस कर लेना, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अदरवाइज आपको नो कर लेना, अलग अलग से परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेलेक्ट करना। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से आपका सारी डाल देना फुल एड्रेस। तो चलो गाइस मैं फटाक से सारी फिलअप कर लेता हूँ।
सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा तो परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, तो सारी मैंने भर लिया उसका पर सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते डाटा सेफ सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। अभी क्वालिफिकेशन का डिटेल भरना होगा, क्वालिफिकेशन का डिटेल प्लेयर टू को क्लास 10 का डिटेल भरना होगा, नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल कौन सा बोर्ड में आपने पास किया है यहाँ पर आपको डाल देना गाइस, उसका बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना, उसका बाद इंस्टीट्यूट नेम मतलब आपका स्कूल कॉलेज का नाम डाल देना, उसका बाद यहाँ पर सेलेक्ट यहाँ पर परसेंटेज से CGPA ग्रेड सिस्टम है जो भी है आपको यहाँ पर आपको डालना होगा गाइस। तो चलो गाइस मेरा तो परसेंटेज से मैंने डाल दिया, उसके बाद टोटल मार्क ऑप्टेन कितना किया है आपको डाल देना, मैक्सिमम मार्क फुल मार्क डाल देना, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर परसेंटेज से काउंटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्लास 12 का डिटेल भी यहाँ पर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो अगर आपके पास क्लास 12 का डिटेल है, अगर 24 में कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री डिटेल आपको यहाँ पर आपको भर लेना गाइस, यहाँ पर आपको सिंपली से आपको डिग्री नेम यहाँ पर आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना गाइस, जो भी आपने डिग्री किया है यहाँ पर आपको ITI का जो होता है आपको पता चलो, सब स्पेशलाइजेशन आपको डाल लेना गाइस, जो भी आपने कौन सा डिपार्टमेंट में आपने कौन सा कोर्स के लिए आपने किया है जो भी है यहाँ पर आपको डाल देना गाइस। तो चलो गाइस मैंने इलेक्ट्रिशियन मैंने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम मतलब डाल देना, उसके बाद डेट में डेट एंड मंथ एंड ईयर एडमिशन डेट डाल देना, उसके बाद ईयर ऑफ मंथ एंड पासिंग ईयर कौन सा है आपको डाल देना, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना गाइस, उसके बाद टोटल मार्क ऑप्शन डाल देना, मैक्सिमम मार्क डाल देना, परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो एडिशनल डिटेल इसमें पूछा गया गाइस आप बताओ, डू यू हैव रिपोर्टेड एलाइनमेंट, जिसमें अगर है तो आप लोग को फिजिकल फिटनेस अगर है तो आप लोग को सिंपली से फिजिकल फिटनेस आपको डिटेल वगैरह आप भर सकते हो गाइस, या फिर अदरवाइज आप लोग को यहाँ पर नो कलर लगे, उसके बाद यहाँ पर इफ यू फाउंड अनफिट एंड नॉनफिट इसमें डिटेल बताइए, अगर है तो यस और नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग को इस आपके बोर्ड में कोर्ट के बारे में अपने केस फाइल क्रिमिनल केस के बारे में पूछा गया, आप लोग को सिंपली से नॉक कर लेना बस। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, अदरवाइज जो भी सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारा आपको डालने का ऑप्शन है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, डू यू हैव ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर है तो यस और नो कर सकते हो, अगर यहाँ पर नो करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल बताया जाएगा, तो आप लोग को सिंपली से यस करना जरूरी है, तो सिंपली से यस कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल है तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो बस आपको भी आपको सबसे सारी डाल देना गाइस, तो चलो बस मैं फटक से सारी फिलअप कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारे मैंने फिलअप कर दिया, सारी फिलअप करने के बाद सिंपली से सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते सेफ सक्सेसफुली हो जाएगा, अभी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होगा, यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर फोटो एंड यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड कर लेना, क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज 24-31 में कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका ITI का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डाल देना, उसके बाद ITI का मार्कशीट प्रोफेशनल मार्कशीट डाल देना, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लेटर CGPA ग्रेड लेटर अगर है तो आपको डाल सकते हो, अदरवाइज 24-31 में कोई मैंडेटरी नहीं है। तो सिंपली से उसका पर यहाँ पर आपको आपका कैटेगरी SC ST OBC EW सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना गाइस, उसके बाद एक ID प्रूफ पैन यहाँ पर देख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID पैन कार्ड पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका एलिजिबल अगर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हो, अगर आप एप्लीकेशन फीस आप एलिजिबल है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि मैं ST कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ बस, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ बस, सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना बस। जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करते गए स्टाफ पर आपको देने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट साइज वगैरह आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, 50-100 KB के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सिंपली से ड्रॉप फाइल बटन पर क्लिक करते गए, जहाँ पर आपका फोटो साइज बना के रखा है आपको सेलेक्ट कर लेना बस। तो चलो बस मेरा फोटो है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाक से। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी डॉक्यूमेंट मैंने सारी फोटो वगैरह मैंने अपलोड कर दिया गाइस। अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस, सिंपली से आप लोग नीचे स्क्रॉल कर देना, डिक्लेरेशन आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को लेफ्ट साइड में आप लोग को चेकबुक करने का ऑप्शन देने को मिलेगा, इस तरफ आप लोग को चेकबुक देने को मिलेगा। तो जितना यहाँ पर आप लोग को वन बाय वन करके आप लोग को जितना चेकबुक आएगा सारे आप लोग चेकबुक करना, उसके बाद ये कैप्चा गाइस मैंने फिल कर लिया गाइस। फिल करने के बाद सिंपली से प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि फाइनल सबमिशन करने से पहले अच्छा से चेक करने के लिए इसमें बताया गया है। तो चलो गाइस मैं अच्छा से चेक कर लेता हूँ, उसके बाद अगर चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो ओके बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। सो गाइस मैंने अच्छा से देख लिया पूरा सही, सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना, इस तरफ से पूछा जाएगा। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते गाइस प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर ओके बटन पर क्लिक कर, मतलब फाइनल सबमिशन करने से पहले जो आपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया है तो फिर से आपको कंफर्म करने के लिए बताया गया है। तो सिंपली से यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटो बटन पर क्लिक कर लेना और सिग्नेचर बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। तो इस तरह से आप लोग को जो भी आपने फोटो अपलोड किया अच्छा से चेक करने के लिए फिर से कंफर्म करने के लिए बताया गया। तो चलो गाइस मेरा सिग्नेचर और फोटो मैंने चेक के लिए पूरा सही है, इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना। अभी सबमिट करने के
करेंगे तो इस तरह का प्रोविजन देखने को मिलेगा। आई एग्री बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। सो गाइस जैसे आई एग्री बटन पर क्लिक करते ही गाइस आप देख लेना गाइस इंस्ट्रक्शन, जैसे आई एग्री जब तक आप आई एग्री बटन नहीं क्लिक करोगे तो गाइस इस तरफ से आपको कोई सबमिट नहीं होगा। तो गाइस देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज़ फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, क्रॉस कर लेना गाइस। तो आपको देख सकते हो फाइनली प्रिंट फॉर्म ये आप ले लेना। तो प्रिंट फॉर्म लेने के लिए गाइस सिंपली से प्रिंट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे प्रिंट बटन पर क्लिक करते गाइस जो भी है यहाँ पर आपको A4 साइज वगैरह आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म तो अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है गाइस। जब एडिट कर देने के लिए मैं आपको इस चैनल पर मैं आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। तो गाइस जब सिलेबस वगैरह आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो गाइस। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर लेना। तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस।